भागलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सोमवार को आस्था स्पेशल ट्रेन राम भक्तों को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान जय श्री राम के नारों के साथ पूरा प्लेटफॉर्म गूंजता रहा, जहां श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की। एक ओर जहां रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में उत्साह का माहौल था, वहीं मंदिर निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए भागलपुर समेत देश भर के श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। बता दें कि अयोध्या जाने वाले भक्तों के मनोरंजन को लेकर भजन कीर्तन मंडली की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं सोमवार को आस्था स्पेशल ट्रेन शाम के 4:40 में करीब 1400 तीर्थयात्रियों को लेकर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार की अगुवाई में भागलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो गई, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर ट्रेन की सभी बोगी पर रामायण के अलग अलग पात्र के नाम की पर्ची लगाई गई थी, जबकि हर बोगी में यात्रियों की सुविधा एवं देखरेख के लिए पार्टी के द्वारा अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से देश रामलला के रंग में रंगा हुआ है और सभी लोग राम जन्मभूमि में प्रभु राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने राम भक्तों के 500 साल के इंतजार को खत्म कर दिया है। राम मंदिर विश्व के आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र होने के साथ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावना का प्रतीक भी है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि हिंदू समाज के पूर्वजों के बलिदान एवं त्याग का फल आज संपूर्ण हिंदू समाज को प्राप्त हो रहा है। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर, आलोक सिंह बंटू, श्वेता सिंह, प्रणब दास, प्रणिक वाजपेयी और रोशन सिंह समेत अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने तीर्थयात्रियों को मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में जुआखर मुख्य मार्ग शीतलास्थान पुल के समीप रविवार की रात 40 वर्षीय मिथिलेश शाह उर्फ मिथुन की हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मिथिलेश कुमार शाह के सिर और सीने में 2 गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिथिलेश शाह नाथनगर के गोदाई दासपुर में डाकिया के पद पर कार्यरत थे तथा उनकी पत्नी अंजलि कुमारी सतपरैया गांव में जन वितरण प्रणाली की विक्रेता है। घटना के बाद मृतक के भाई धनंजय कुमार ने बताया कि मिथिलेश शाह अपने दोस्त सौरभ कुमार के साथ स्कूटी से देर शाम सजौर गए थे। सजौर से वापिस लौटने के क्रम में हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साथ ही अपराधियों ने सौरभ कुमार के साथ भी मारपीट की है। इधर पुलिस जख्मी सौरभ कुमार से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद मिथिलेश शाह के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वही बताया कैसे ऐसे हुआ है, जो मतलब गोली जो मारा उनको पहचान भी नहीं है ना, इसको वो हम लोग को तो पता नहीं है, जो इसका दोस्त था। अच्छा, तो वही बताया। क्या बताया? बताया कि मिथिलेश हमरो मारल के आरो मिथिलेश का नमान न पकड़ल छे। एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी था। वो आदमी सुरक्षित है। घर पे वही जाके बताया ना। वो जो घटना हुआ जो फरार हो गया। बांका के धोरैया में अवैध तरीके से बालू उठाकर स्टॉक किया जा रहा है और बाद में उस बालू को मनमाने कीमत पर बेचा जाता है। बता दें कि धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सनौला धोरैया मुख्य मार्ग NH84 से सटे सड़क किनारे करहरिया रब्बीडीह सगुनिया बटसार बल्लम चक में गेहुआ नदी से रोजाना सुबह 6 से 12 बजे तक तथा दोपहर 2 से शाम के 8 बजे तक माफियाओं द्वारा जमकर बालू उठाव करवाया जा रहा है। इस काले कारोबार में 100 से 150 मजदूर शामिल हैं, जो ठेला जुगाड़ गाड़ी और साइकिल के द्वारा इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद बालू को सुरक्षित स्थान पर स्टॉक कर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। बता दें कि हाल ही में बांका SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अवैध बालू खनन एवं तस्करी को लेकर धोरैया थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल भी उठाया था। अब सवाल यह उठता है कि SP के निर्देश के बावजूद जिले में बालू का अवैध कारोबार बेलगाम क्यों है, खासकर धोरैया में प्रतिदिन बिना चालान अधिकारियों के नाक के नीचे से धड़ल्ले से बालू की बिक्री कैसे हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकारियों को हर महीने उनका नजराना मिल जाता है, जिस कारण रोक के बावजूद
बालू का अवैध खनन जारी है। बालू से तेल निकालने की कला में माहिर थानेदार एवं पदाधिकारी छापेमारी का दिखावा कर हरियाली बटोरने में जुटे हुए हैं, ये बात जग जाहिर है। और अब तो एसपी के आदेश को ठेंगा दिखाकर अवैध बालू का खनन और कारोबार जोरों से चल रहा है। भागलपुर जगदीशपुर थाना में पदस्थापित सैफ जवान अशोक कुमार की सेवानिवृत्ति पर जगदीशपुर थाना परिसर में उन्हें विदाई दी गई। विदाई समारोह में उन्होंने आर्मी तथा सैफ जवान के रूप में अपने सेवाकाल के अनुभवों को साझा किया। साथ ही उन्होंने जगदीशपुर थाना में मौजूद पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों से मिले सहयोग पर अपना आभार प्रकट किया। मौके पर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार, SI अजय कुमार, सुधीर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। उत्पाद विभाग द्वारा शराबबंदी के नाम पर पूरे प्रदेश में आतंक मचा दिया गया है। शराबबंदी कितना सफल है, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन शराबबंदी को लेकर कितने सजग हैं, ये भी जग जाहिर है। पैसे ऐठना, देर रात किसी के भी घर में घुसकर शराब ढूंढना, घूस लेने के लिए अपराधियों से भी बदतर रवैया अपनाना, ये इनका कर्म और धर्म बन गया है। अब या तो नीतीश कुमार खुद भी इस भ्रष्टाचार की रबड़ी चाट रहे हैं, या फिर वो इतने भोले या कहें तो अंधे या बहरे हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। रविवार को बांका के धोरैया में एक नौजवान उत्पाद विभाग की बलि चढ़ गया। बता दें कि सादपुर गांव के समीप तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामकोल निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के दोस्त लाहौरिया गाँव निवासी अभिषेक कुमार एवं रामकोल निवासी लालू कुमार ने बताया कि वो सभी झाझा से शराब पीकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कृष्ण कुमार भी शराब के नशे में मिला, जिसके बाद तीनों एक बाइक पर सवार होकर सादपुर के रास्ते पंजवारा थाना क्षेत्र लौट रहे थे। तभी सादपुर गांव के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने अचानक चलती बाइक को धक्का दे दिया, जिससे बाइक नीचे गिर गई और अभिषेक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जबकि कृष्णा और लालू मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने कृष्णा कुमार का इस दौरान पीछा किया, पकड़े जाने के डर से कृष्णा ने पोखर में छलांग लगा दी और अभिषेक पकड़ा गया, जिसके बाद उत्पाद विभाग के कर्मियों ने कृष्णा को तालाब में मरता छोड़ दिया और अभिषेक को छोड़ने के एवज में पैसे की डिमांड कर डाली। अभिषेक ने बताया कि उत्पाद विभाग के कर्मियों ने उसके पास से सारे पैसे ले लिए, जो कि लगभग 5000 रुपए थे, जिसके बाद अभिषेक को उत्पाद विभाग की टीम ने छोड़ दिया। वहां से निकलने के बाद अभिषेक ने पूरे मामले की जानकारी कृष्णा के घर वालों को दी और कृष्णा की खोजबीन शुरू की, पर सारी रात खोजबीन करने के बाद भी कृष्णा का कोई पता नहीं चल सका। वहीं सोमवार की सुबह तालाब से कृष्ण कुमार का शव बरामद किया गया। कृष्णा का शव देखते ही परिजन घटना स्थल पर दहाड़ मार कर रोने लगे। इधर धोरैया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना को हर एक एंगल से जांच रही है। आवेदन के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।